गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने पिस्टल लहराकर राहगीरों को धमकाने वाले ओडिशा के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी निहार उर्फ राजा पाणिग्रही ओडिशा के नुआपाड़ा जिले का रहने वाला है। निहार उर्फ राजा ओडिशा के खिलाफ सीनापली थाना क्षेत्र में साइड नहीं देने पर बाइक सवार पिता पुत्र पर गोली चलाकर घायल करने का आरोप है। उक्त घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गरियाबंद जिले में प्रवेश किया और बॉर्डर से लगे खुट गांव में राहगीरों को रंगदारी दिखा रहा था। देवभोग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़कर उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अपने पुलिस पार्टी को पता चला कि खुड़गांव नाका चेक पोस्ट के पास एक सफेद रंग में कार में व्यक्ति बैठा है और पिस्टल लेके रास्ते वालों को आने जाने वालों को डरा रहा है, धमका रहा है। सूचना पर अपना पुलिस स्टाफ गया, जाके वहाँ देखा तो वास्तविक में एक व्यक्ति पिस्टल लेके लोगों को डरा धमका रहा था। पता उसके बाद तलाशी उलाशी लेने बाद गाड़ी का और आदमी का तो पता चला कि पिस्टल रखा है। उसके हिसाब से पुलिस जाके आम सेक्टर के तहत कार्रवाई करके लाया, फिर उसके बाद अभी रिमांड में भेजा जा रहा है।